बपी लहरी को लेकर हमने आपको पूरी रिपोर्ट दी कि कोरोना वायरस के संक्रमण में आने के बाद हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती होना पड़ा। लेकिन क्या आपको मालूम है वेटरन सिंगर म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी को लेकर एक और बुरी खबर आई है। जी हाँ, आईसीयू में यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया है बप्पी लहरी को, क्योंकि पहले से ही लंग के प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे। लंग के बहुत ही बुरी बीमारी से वो पीड़ित थे और ऐसे में कोरोना के संक्रमण में आने के बाद मुंबई के जाने माने ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया। बेटे ने बताया है कि वो अभी आईसीयू में है। बेटे ने जानकारी दी है कि इलाज के लिए उन्हें सीधा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि बप्पा ने ये बताया है उनके बेटे ने कि अभी भी पूरी तरह से उन्हें स्वस्थ होने में समय लगेगा। बप्पा लहरी के बारे में बात की जाए तो अपने बेटे के बारे में बप्पी लहरी ने बहुत कम बात की, लेकिन हाँ अभी फिलहाल पिता की तबीयत के बारे में बात करते हुए बप्पा ने बताया कि उनके पिता अभी भी आईसीयू में ही इस बीमारी से लड़ रहे हैं। और वहीं आपको जानकारी देना चाहेंगे कि पिता को लेकर उनका स्टेटमेंट ऐसे था कि मेरे पिता की तबीयत फिलहाल स्थिर है लेकिन वो आईसीयू में है, यानी कि स्थिति अभी भी वैसी की वैसी ही है। हल्के कोविड के संक्रमण जो पाए गए थे उनमें बीते बुधवार को, उसके बाद उन्हें फेफड़े में समस्याएं हुई जिसके कारण उन्हें सीधा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहां डॉक्टर उदवादिया जो है उनका इलाज कर रहे हैं, जिनकी देखभाल के लिए पूरी तरह से उन्हें निगरानी में रखा गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।